वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, और इसे आप बारात मेकअप लुक भी बोल सकते हो, बिकॉज मैं ये मेकअप लुक जो करने वाली हूँ, मेरी सिस्टर के देवर की शादी है तो उसके लिए मैं रेडी हो रही, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो उससे पहले मैं ये यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब का रोज वाटर। मैं इसे अच्छे से डैप कर लूँगी, इसे हमें रगड़ना नहीं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली ये फेशियल ऑयल गुड वाइब्स का ग्रेप सीड्स का है। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, सोसाइटी में थोड़ा फंक्शन चल रहा है तो मैं उनको तो मना नहीं कर सकती हूँ। ये फेशियल ऑयल बहुत अच्छा है। ये फेशियल ऑयल मैं अपने स्किन केयर में और नाइट में भी कभी कभी कहीं से आती हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइफ का सैफरन का डे क्रीम। ये विंटर के लिए अच्छा है, मैं इसे विंटर में ही यूज़ करती हूँ, विंटर में ये मेरा फेवरेट हो गया है। इसे आप अच्छे से इवनली पूरा लगा लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाग है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके आपके पास अगर डार्क ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है और आपके फेस पे ज्यादा इतना दाग नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एले गर्ल प्रो कंसीलर यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया वहाँ पे अप्लाई करूँगी। अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करते ना तो कैसे वो थोड़ा ऑरेंज ही दिखने लगता है, तो इसके लिए हम लोग पहले कंसीलर से उसको हाइड कर लेंगे कि फाउंडेशन हम लोग का अच्छा हो। नेक्स्ट मैं अभी फाउंडेशन यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस गोल्डन बेज और लैक्मे परफेक्ट फाउंडेशन मिक्स करके। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड करके हो गया है। तो नेक्स्ट मैं पाउडर यूज करने वाली, इसमें हमें ऐसा एक स्पॉन्ज दिया रहता है, इसी से मैं लगाऊंगी। तो हमें जब पाउडर लगाना है ना, तो हमें बस पाउडर लगाते वक्त हमें सिर्फ इसे ऐसा रखना रहता है। हम ऐसे से करेंगे ना तो हमारा फाउंडेशन भी उसके साथ निकल जाएगा और थोड़े टाइम बाद वो मेकअप भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे ऐसा इसको डैप कर लेना। तो यहाँ पे मैं पहले अपना आईब्रो फिल करूँगी, उसके लिए मैंने ये ऐसा एंगुलर सा ब्रश लिया है, तो ये ब्राउन शेड लिया है मैंने अपने लिए। मैं कभी भी इधर मिडल से ही शुरू करती हूँ। नेक्स्ट मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने ये मिस गोल्ड कलर आई शेडो पैलेट लिया है। तो इसमें से पहले मैं ये रॉयल कलर लूँगी, एक्चुअली इसमें लाइट पिंक है नहीं, मेरे पास आई शेडो ज़्यादा है नहीं, तो है नहीं, तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा लाइटली लूँगी, एक्सेस डैप करके ऊपर साइड से लगाऊँगी पहले।
अच्छा है, पिगमेंटेशन अच्छा है इसका। नेक्स्ट मैं ये लाइट कलर का पिंक लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक लूंगी, ज्यादा नहीं, कॉर्नर साइड के लिए, कि थोड़ा सा अच्छा लुक आए कर दूं। नेक्स्ट मैं सेम पिंक लूंगी, और ये नीचे साइड लगा लूंगी। अरे ये तो नोज पे लग गया। इसमें से मैं ये ग्लिटर वाला लूंगी, इसे मैं अपने आईज के सेंटर साइड में लगाऊंगी, सिर्फ ये डैप करूंगी मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट मैं आईलाइनर लगा लूं, बीवॉन आइस मैट का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मालियाओ का काजल, ये बहुत बटरी सॉफ्ट है। रॉयल हेवन का आईलैशेस, यहाँ पे मैंने आईलैशेस लगा लिया है, तो अब मैं मस्करा यूज करूंगी। तो मस्करा मैंने यहाँ पे हिलेरी रोडा का लिया है, इसको अच्छे से मैं नीचे साइड अप्लाई कर लूंगी और ऊपर साइड भी अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं SFR कंटोर पैलेट लूंगी, कंटोर ब्लश एंड हाइलाइटर। तो इसमें से मैं ये थोड़ा सा पीची कलर का ब्लश लूंगी। यहाँ नेक्स्ट मैं हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाइलाइटर लिया है, रोज गोल्ड। फोर इनसाइड कॉस्मेटिक का लिपस्टिक है ये। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया है पूरा, तो मैं इसको सेट करने के लिए इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज करूंगी। यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मैंने इस मेकअप वीडियो में सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, बताया है, बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, तो आप उसको देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे इंस्टा पे भी कमेंट करके इंस्टा पे भी मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंस्टा आईडी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।